Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear fellows and listeners, today we are going to study the convergence in chemistry. The convergence from the examination point of view, the most important topics in chemistry of second year class. When we talk about the entry test, most of the questions, MCQs, come in the type of the convergence. The student face a lot of difficulties. If you will listen this lecture, all of your difficulties, all of your hindrances, and all of your obstacles will be plain. And you will come to just know how to convert one molecule into another molecule. Suppose how to convert an acid into an aldehyde, a ketone into an aldehyde. And after listening to this lecture, the student will be able to cope with all the problems they might be facing in convergence. So have the lecture. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today I discuss a very important rule for the convergence. और ये मैं आपको बच्चे बता दूं कि ये सबसे important rule है. और इसमें most of the convergence, क्योंकि इसमें Grignard reagent involved है. Grignard से हम बहुत सारे compounds बना सकते हैं. ठीक है, तो कुछ मैंने यहाँ पे किए हैं और कुछ जो है इंशाल्लाह प्रैक्टिस में आप लोग को करोगे. तो बच्चे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या है बच्चे, अल्कोहल है. क्या है? अल्कोहल. अल्कोहल से हम क्या बनाएंगे? अल्कीन. अल्कीन से क्या बनाएंगे? अल्काइलाइट. अल्काइलाइट से क्या बनाएंगे? ग्रिग्नार्ड. पहले हम यहाँ तक हम बना लेते हैं. देखिये बच्चे, अल्कोहल है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बच्चे, CH3CH2 और यहाँ पे क्या है बच्चे, OH. क्या करना है हमने इससे बच्चों, क्या बनाना है? अल्कीन बनाना है. क्या बनाना है? अल्कीन. कैसे बनाओगे जी, बताएं जरा. देखिए बच्चे, अल्कीन अल्कोहल से जब अल्कीन बनाते हैं तो हमें पता है हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन. क्या करते हैं बच्चों? यानी रिमूवल ऑफ, डायरेक्ट आप बना सकते हैं. यानी क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ वाटर. इससे क्या करो बच्चे, रिमूवल ऑफ क्या करो, वाटर करो. कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे कौन सा है जी, H2SO4 है. कौन सा है जी? H2SO4. देखो बच्चे, यहाँ पे ये H, यहाँ पे क्या है जी H, यहाँ पे क्या है जी H. देखो इसको इधर शिफ्ट किया, ये इधर शिफ्ट हो गया. ये एच ओ एच के साथ मिलकर क्या बना लेगा? H2O. क्या बना लेगा? H2O. और बाकी क्या रह जाएगा? CH2 और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2. तो अल्कोहल से अगर आपने डायरेक्ट अल्कीन बनाना हो तो कैसे बनाते हो? बाय डिहाइड्रेशन. क्या है? बाय डिहाइड्रेशन. यानी रिमूवल ऑफ क्या है जी? वाटर. अब अल्कीन से आपने क्या बनाना है बच्चे? अल्काइल हैलाइड बनाना है. तो क्या करोगे? इसको रिएक्ट करवा दो किसके साथ? HCl के साथ. किसके साथ? HCl के साथ. जब रिएक्ट करवाया तो देखें बच्चे, अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करें, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इधर शिफ्ट करो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला इधर और नेगेटिव वाला इधर, तो क्या बना लेगा? CH3. यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl. इसको हम क्या कहेंगे? क्लोरोइथेन. इससे अगर आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाना है तो कैसे बनाते हो? मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है? ठीक है जी. तो क्या हो जाएगा? ये मैग्नीशियम इसके अंदर ऐड होके क्या बना लेगा? CH3CH2Mg और क्या हो जाएगा? Cl. ये क्या बन गया बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो अल्कोहल से हमने क्या बनाया? अल्कीन. अल्कीन से अल्काइललाइड. अल्काइललाइड से क्या बनाया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब देखें बच्चे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग क्या बनाएंगे बच्चे? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और कौन सी बच्चों? टर्शियरी अल्कोहल. देखो बच्चे, आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं? जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ. किसके साथ बनाते हैं बच्चे? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसको रिएक्ट करवाओ. देखो जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है बच्चों? CH3. यहाँ पे क्या है जी? CH2. यहाँ पे क्या है जी? Mg. और यहाँ पे क्या है जी? Cl. इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ जी? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ. तो क्या होगा बच्चे, सबसे पहले आपको पता है ग्रिग्नार्ड में कौन सा बॉन्ड टूटता है? ये वाला. इसको इधर शिफ्ट करें, इसको इधर शिफ्ट करें. यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव. यहाँ पे इसकी अटैचमेंट हो जाएगी, क्या बन जाएगा बताओ जरा? CH3CH2. यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी. इसके ऊपर हाथ रखो जी. क्या क्या नजर आ रहा है? एच और एच. एक को ऊपर अटैच करवा दें और एक को नीचे अटैच करवा दें और क्या बन जाएगा? OMG. और क्या हो जाएगा? Cl. इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ बच्चे? वाटर के साथ. किसकी मौजूदगी में? द प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव.
तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, MgCl और OH, और ये H इसके साथ आ जाएगा, क्या बना लेगा मुझे CH3CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मुझे फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ एक नहीं होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे जनाब क्या हो जाएगा CH2, यानी एक CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, यहाँ पे क्या हो जाएगा मुझे C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, इसके साथ क्या आ जाएगा H, और ये क्या आ जाएगा H, दोबारा समझे CH3CH2MgCl, यहाँ से हमने स्टार्ट किया CH3CH2CH2, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास C आएगा, ये वाला C, इसके ऊपर हमने क्या रखा, हाथ रखा, क्या क्या नजर आ रहा है H, और क्या नजर आ रहा है H, तो ये क्या करेगा MgCl OH, और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा प्रोपानोल। ये मैंने आपको दूसरे रूल में भी बताया था कि अगर हमने इंक्रीज करना हो तो हम किस क्या करते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, क्या बनाते हैं बच्चों ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अगर बच्चे इससे हमने क्या बनाना है बच्चों ईथर बनाना है, क्या बनाना है बच्चों ईथर बनाना है, तो कैसे बनाओगे इससे ईथर बच्चे, देखो अगर मैं अल्कोहल को जरा छोटा कर देता हूं ताकि आसानी हो जाए हमें, फॉर एग्जाम्पल क्या है बच्चे OH, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है CH3, और यहाँ पे क्या है जी OH, क्या करते हैं बच्चे हम इसके लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा बच्चे H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, कितने टेम्परेचर में बच्चे एट अ टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखो बच्चो ये OH इस H के साथ मिलके क्या बना लेगा H2O बना लेगा, क्या बना लेगा H2O, और बाकी क्या रह जाएगा CA3, यहाँ पे क्या हो जाएगा O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CA3, यानी क्या बन गया बच्चों ईथर, क्या बन गया ईथर, ये देखो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल और क्या बन गया बच्चे ईथर। अब ईथर से हम क्या बना सकते हैं बच्चे अल्कोहल, और क्या बना सकते हैं अल्काइल हलाइड, देखो बच्चो ये देखिए जी CH3, यहाँ पे क्या है जी O, यहाँ पे क्या है जी CH3, क्या करें इसको रिएक्ट करवाएं किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, किसके साथ रिएक्ट करवाओ बच्चे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएं, तो देखिए बच्चे इस ऑक्सीजन के पास क्या है जी लोन पेयर है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, यहाँ पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कहेगा कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो तो तुम्हारी एन, हाइड्रोजन कहेगा इससे कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दो तो तुम्हारी एन द्विआवेश होगी, तो क्या बनेगा बच्चे बताओ जरा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा O, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे I नेगेटिव, क्या बन जाएगा बच्चे I नेगेटिव, और फिर क्या हो जाएगा CH3O, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है बच्चों CH3, इसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ बच्चे I नेगेटिव के साथ, तो देखिए बच्चे इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो तो ये इससे अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना, क्या चीज बना लेगा बच्चे CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, क्या हो जाएगा CH3 और OH, और बाकी क्या हो जाएगा ये CH3 इसके साथ अटैच होके क्या बना लेगा CH3 और क्या हो जाएगा I, तो यानी क्या बन गया बच्चे अल्कोहल, और क्या बन गया अल्काइल हैलाइड, क्या बन गया अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड, क्या ये समझ आ गया, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद क्या करोगे ईथर, क्या बना लोगे ईथर, किसके जरिए बाय डिहाइड्रेशन, किसके जरिए बाय डिहाइड्रेशन, फिर उसको रिएक्ट करवा दो किसके साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो क्या बन जाता है अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल, इज इट क्लियर बच्चे। अच्छा जी अब आपको पता है बच्चे कि हमारे पास जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं एनी अदर एल्डिहाइड, जैसे कौन सा एल्डिहाइड हो गया बच्चे CH3C डबल बॉन्ड O और क्या है जी H, एसिड एल्डिहाइड एनी अदर एल्डिहाइड, तो हमारे पास क्या बनता है बच्चे कीटोन बनता है, सॉरी क्या बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल से हमने क्या बनाना है बच्चे कीटोन्स बनाना है, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनाना है बच्चे कीटोन, फॉर एग्जांपल इससे अगर फॉर एग्जांपल ग्रिगनार्ड से हम सेकेंडरी अल्कोहल, इसको मैं नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी ग्रिगनार्ड के बहुत सारे रिएक्शन आप कर चुके हैं, तो देखें जी अगर फॉर एग्जांपल यहां पे देखते हैं जी CA3, यहां पे क्या है बच्चे C, यहां पे क्या है जी OH, यहां पे क्या है जी H, यहां पे क्या है बच्चों CH2, और यहां पे क्या है बच्चों CH3, ये कौन सा अल्कोहल है बच्चों, इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, अगर आपने ग्रिगनार्ड से ये बना लिया क्या बच्चे सेकेंडरी अल्कोहल, तो इससे बच्चे कीटोन कैसे बनाओगे, देखिए जी क्या करेंगे बताएं जरा, आपको आना चाहिए बच्चे, देखो जी यहां पे क्या है बच्चों H है, सिंपल आप क्या करो इसकी ऑक्सीडेशन कर दो,
क्या कहा तो इसकी ऑक्सीडेशन कौन सा जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कौन सा हो गया KMnO4 और कौन सा जी H2SO4 तो क्या होगा बच्चे इस बॉन्ड को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो ये जो बॉन्ड है ये वाला एच वाला ये क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा देखो बच्चो ये एच और ये H और O ये मिलके क्या बना लेंगे H2O और बाकी क्या रह जाएगा बच्चों Ca3 यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा मुझे CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 तो क्या बन गए मुझे क्या बन गए जी ब्यूटानोन यानी क्या किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चे कीटोन्स में किसमें कन्वर्ट हो गया कीटोन्स में तो ये दो समझ आ गए बच्चे प्राइमरी अल्कोहल से ईथर कैसे बनाया और सेकेंडरी अल्कोहल से हमने कीटोन कैसे बनाया कीटोन्स कैसे बनाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल से बाय ऑक्सीडेशन ओके जी नेक्स्ट देखिए जी नेक्स्ट हमारे पास है जी हम क्या करते हैं टर्शियरी अल्कोहल्स क्या बनाते हैं बच्चे टर्शियरी अल्कोहल्स क्या बनाते हैं बच्चे टर्शियरी अल्कोहल देखिए बच्चे टर्शियरी अल्कोहल फॉर एग्जांपल आपने ये बना लिया जी किसके जरिए विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पे देखिए जी OH आपको बच्चे ये भी पता है कि जो टर्शियरी अल्कोहल होता है क्या होता है बच्चे जो टर्शियरी अल्कोहल होता है वो क्या करता है बच्चों टर्शियरी अल्कोहल क्या ऑक्सीडेशन देता है बच्चों नहीं ऑक्सीडेशन वो नहीं दे सकता क्योंकि यहां पे उसके पास क्या होता है हाइड्रोजन ही नहीं होता इस वजह से क्या होता है बच्चे हम बीटा कार्बन से क्या करते हैं हाइड्रोजन को इलिमिनेट कर लेते हैं क्या कर लेते हैं बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को इलिमिनेट कर लेते हैं देखिए ये हमारे पास बीटा कार्बन है जी ये H यहां पे क्या है जी H ये देखो बच्चे ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट किया ये बॉन्ड क्या हो जाएगा इधर शिफ्ट हो जाएगा ये OH इस H के साथ मिलके क्या बना लेगी वाटर और बाकी क्या रह जाएगा बच्चे H2C यहां पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड यहां पे क्या हो जाएगा C इसके साथ क्या है बच्चों CH3 और इसके साथ क्या है जी CH3 क्या नाम है इसका बच्चे ये देखे 2 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल है तो क्या हो जाएगा 2-methylpropene क्या नाम हो जाएगा 2-methylpropene तो टर्शियरी जो अल्कोहल होती है बच्चे उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं अल्कीन्स में इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एनी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट नहीं हो सकती जी बच्चे समझ आ गई नेक्स्ट क्या है बच्चे हमारे पास क्या बनता है जी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जी ठीक है ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन चले मैं इसको बना देता हूं आपको ग्रिग्नार्ड से स्टार्ट करते हैं देखिए जी फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रिग्नार्ड है जी CH3MG और क्या है जी BR CH3MG और क्या है जी BR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ठीक है जी इसको रिएक्ट करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड क्या है जी O किसकी मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर कौन सा बॉन्ड टूटता है ग्रिग्नार्ड में कार्बन और ये देखें जी ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया इस बॉन्ड को हमने इधर शिफ्ट कर दिया सही है यहां से आपने स्टार्ट किया क्या बना बच्चे Ca3 उसके बाद क्या है जी C क्या है जी C इसके ऊपर क्या करो बच्चे हाथ रखो क्या नजर आ रहा है डबल बॉन्ड हो तो इसको हमने क्या किया बच्चे ऊपर अटैच करवा दिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा OMG और क्या हो जाएगा BR मान लिया बच्चों इसको हम क्या करते हैं बच्चे रिएक्ट करवा देते हैं किसके साथ जी वाटर के साथ देखो वाटर किसकी मौजूदगी में इंडा प्रेस ऑफ एसिड तो ये आपस में मिलके क्या बना लेते हैं बच्चे क्या हो जाएगा MG BR और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH और बाकी आपका क्या रह जाएगा बच्चे CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH यानी क्या बन गया बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने क्या बनाना है बच्चे ईस्टर बनाना है जी कैसे बनाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर देखो CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे क्या है जी OH इसको रिएक्ट करवाओगे किसके साथ अल्कोहल के साथ किसके साथ है अल्कोहल किसकी मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है बच्चों एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है जी एसिड ये देखें जी ये अल्कोहल है जी ठीक है बच्चों तो एसिड कौन से आयन देता है हाइड्रोजन और ये एक्ट करेगा एज अ बेस तो क्या करेगा OH देगा तो क्या बना लेगा बताएं जरा H2O क्या बना लेगा H2O और बाकी क्या रह जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O
और यहाँ पे क्या हो जाएगा मुझे O और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5। क्या नाम होगा इस ईस्टर का? ये क्या है बच्चों, इसको हम कंसीडर करते हैं अल्काइल, यानी क्या हो गया इथाइल, और ये दो कार्बन है तो एसीटेट भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इथाइल एथानोएट या इथाइल एसीटेट, क्या हो जाएगा इथाइल एसीटेट इथाइल इथानोएट या इथाइल इथानोएट। समझ आ गए बच्चे? तो ये जनाब इसमें कन्वर्ट हो गया जी, किसमें जी? ईस्टर में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, कन्वर्जेंस का ये जो रूल है, ये आपने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और फिर आप इंशाल्लाह तकरीबन आधे केमिस्ट्री इसमें कन्वर्जेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है बच्चे? तो ये आपको सारे फिंगर टेस्ट में सारे आने चाहिए। थैंक यू वेरी मच बच्चे।